किला झोपड़पट्टी के खिलाफ लोक आयुक्त का ऑर्डर नहीं है। जो लोग अगर लोक आयुक्त का ऑर्डर पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो ऑर्डर पढ़ने के बाद कोई ये बोलेगा कि उसके खिलाफ कोई ऊपर की कोर्ट में जाने की बात होना चाहिए। लोक आयुक्त का ऑर्डर उनके खिलाफ है ही। मंगल 11 जुलाई दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आओ चरखा चलाएं आंदोलन, जो शहर में एक जोश खरोश भर दिया। ख्वातीन और मर्द का ये मुश्तरका आंदोलन है। मालेगांव शहर में जो हालात बने, ये आवाम की आवाज़ है। आवाम जो चाहती थी, हमने वो प्रोग्राम बनाया, एक ऐसे धरने का प्रोग्राम जिसमें आवाम की क्या राय है मालेगांव शहर की इन हालात में, जो कि मुसलसल कुछ लोग हालात बिगाड़ने की तरफ जा रहे थे, इन हालात में जो आवाम चाहती है उस प्रोग्राम को करना हमारा मकसद है, क्योंकि हम आवाम के जवाब दे हैं। और मालेगांव शहर में मुसलसल कई महीनों से जो हालात बनाए जा रहे थे, उसमें ऐसा हो गया था कि मालेगांव की सेंट्रल आवाम ख़ास तौर से, उनको ये महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और हमारी आवाज़ भी सरकार और प्रशासन तक पहुंचाई नहीं जा रही है। तो आवाज़ पहुंचाना हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि MSG कॉलेज में जो वाक़या हुआ, गुनहगारों के खिलाफ उसमें कार्रवाई हो। हिंदू आक्रोश मोर्चे में जिस तरह के हथियार अवामी तौर पर निकाले गए, जिस तरह की तकरीर की गई, जिस तरह की नारेबाजी की गई, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और एक पालक मंत्री जो हमारे ज़िले के हैं, पालक मंत्री का काम क्या होता है ये बतलाना भी हम ज़रूरी समझते हैं, और ये मैसेज उन तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि एक पालक का काम होता है कि वो जिस हिस्से का पालक मंत्री है सब लोगों का ध्यान रखे। मगर हो ये रहा है कि जो पालक है वही हालात ख़राब करने की तरफ अगर जाए तो आवाम किसके पास जाए। नहीं तो इन सारे वाक़यात में पालक मंत्री ने एक मीटिंग नहीं बुलाई कि दोनों समाज की मीटिंग बुलाते और हालात को कंट्रोल करने की बात करते, मगर ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसलिए ये एहतजाज पुलिस के तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ है, पालक मंत्री जिस तरीके से इस शहर के हालात बिगाड़ रहे हैं उनके खिलाफ़ है। सरकार जो चाहती है कि महाराष्ट्र में हालात ख़राब हो, उनके खिलाफ़ है। यक्सा सिविल कोड का मामला जो है वो मुल्क भर में मौजू बहस है। कुछ लोगों की ऐसी राय है कि यक्सा सिविल कोड में हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए, मगर हम वो राय के खिलाफ हैं। हमारी समझ ऐसी है कि आप देखेंगे कि आदिवासी समाज हो, सिख समाज हो, कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद हो रही है। ये सिर्फ एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है यक्सा सिविल कोड। हिंदुस्तान में कई सौ अलग अलग जात बिरादरी रहती, जिनके अपने अपने लॉ हैं, वो अपने अपने लॉ की गाइडलाइन के हिसाब से चलते, वैसे ही मुसलमान पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते। हम चाहते हैं कि पर्सनल लॉ के हिसाब से ही हिंदुस्तान में हम शरीयत का काम काज जिस हिसाब से होता है वैसे ही रखें, मगर अगर उसकी मुखालफत भी नहीं की जाएंगी तो ये एहसास कैसे दिलाया जा सकता कि हम भी उसके मुखालिफ हैं। आज ड्राफ्ट पर काम चल रहा है। बिहार के सुशील कुमार मोदी का एक बयान मेरे पढ़ने में आया कि आदिवासियों को यक्सा सिविल कोड से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब एक कम्युनिटी को बाहर निकालने की बात बोली जा रही है तो वो यक्सा सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड वो मुमकिन ही नहीं बचता। ऐसे वक्त में अगर हम भी बाहर निकलने की बात करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और बात सरकार तक पहुंचना ही चाहिए। आप देखेंगे NRC CAA का जब सवाल आया तो मालेगांव शहर में ख्वातीन का शान हिंद की क़यादत में एक बड़ा मोर्चा निकला जिसकी आवाज़ दिल्ली तक गई। दिल्ली में भी मालेगांव शहर की बात हुई, यहाँ तक कि BBC लंदन से टेलीकास्ट हुआ कि मालेगांव शहर में ऐसा एहतजाज हुआ, और हिंदुस्तान भर में वो एहतजाज हुआ। उसमें शाहीन बाग अव्वल नंबर पे रहा, मगर वो ग्लोबल इशू बना दिया गया। उसके बाद दुनिया में उस पर बात होने लगी। तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत ज़ालिम होने के बाद भी कहीं ना कहीं सोच विचार, और अभी तक मामला रुका हुआ है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि यार एहतजाज नहीं होना चाहिए, ये बात वो उनका व्यू हो सकता है, उनका नज़रिया हो सकता है, मगर हम ये मानते हैं कि यक्सा सिविल कोड की भी मुखालफत होना चाहिए। यही सब मुद्दों को लेकर कल का एहतजाज किया जा रहा है।
हम मालेगांव शहरियान से अपील करते हैं कि कल वो बड़ी तादाद में शहीदों की यादगार के पास आएँ ताकि हम हमारी बात प्रशासन और सरकार तक पहुंचा सकें। किला झोपड़पट्टी का जो वाकया है कि एक बाहर से एमएलए आके धमकी दे के चला जाए और उस पर कोई बात ना बोली जाए, सबसे पहले उस पर हमारी तरफ से बात बोली गई और वो एक कानूनी पहलू है। जो लोग अगर लोक आयुक्तों का ऑर्डर पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो ऑर्डर पढ़ने के बाद कोई ये बोलेगा कि उसके खिलाफ़ कोई ऊपर की कोर्ट में जाने की बात होना चाहिए। लोक आयुक्त का ऑर्डर उनके खिलाफ़ है ही नहीं, किला झोपड़पट्टी के खिलाफ लोक आयुक्त का ऑर्डर नहीं है। किसी ऑर्डर को चैलेंज उस वक्त किया जाता जब वो खिलाफ़ में हो। अगर कोई ये मैसेज दे रहा है कि हम ऊपर की कोर्ट में जाएंगे तो इसका दूसरा मतलब यह है कि वो ऑर्डर उनके खिलाफ़ है, जबकि वो ऑर्डर मैं मानता हूँ उनके हक में है। अब उस ऑर्डर से अपनी मुस्बित बात लेकर कमिश्नर पर दबाव बनाकर अपनी बात मनवाने की ज़रूरत है फ़िलहाल शहर में। और हम हमारे निवेदन में कल लिखे भी हैं कि किस तरह से कमिश्नर किला झोपड़पट्टी को वहीं पर रहकर वहीं घर बनाकर देगा, और वो दबाव बनाना आज कमिश्नर पर ज़रूरी है, ना कि उस ऑर्डर को कहीं चैलेंज करना।